सरहदों के पार ना हो, लेकिन इस हुकूमत ने इस देश के अंदर बहुत जंग लड़ी है और वो जंग अमन पसंद और इंसाफ पसंदों के खिलाफ लड़ी है। उनको मारा है, उनको पीटा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और आज ये सत्ता में आई। तो साथियों, हमारे मुल्क ने बहुत से युद्ध देखे हैं, तो इस हुकूमत को जानना चाहिए और माजी में देखना चाहिए कि उस युद्ध से जो हुए हैं कितना फायदा हुआ है इस मुल्क को, नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? ये लाइनें साहिर की हैं, साहिर लुधियानवी की, और साहिर शरीफ इंसानों से ये कह रहे थे। तो आज ये हुकूमत से हम कह रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत शरीफ तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये हुकूमत समझ जाए कि अगर युद्ध जैसी कुछ स्थिति बनाती है तो इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को आप ले लो, हर सातवां इंसान भारतीय है। ये समझना पड़ेगा कि आज कश्मीरियों पे जुल्म होता है, मुसलमानों पे होता है, ईसाइयों पे होता है, आदिवासियों पे होता है। तो इस हुकूमत को समझना चाहिए कि हर मुल्क के अंदर हर सातवां इंसान भारतीय है, और अगर इस मुल्क का यही काम रहा अपने ही लोगों के खिलाफ, तो उन मुल्क में उन भारतीयों के साथ क्या व्यवहार होगा? इस मुल्क को पढ़ना चाहिए जर्मनी को, इस मुल्क की हुकूमत को पढ़ना चाहिए बड़े बड़े दानशाहों को जो दूसरे मुल्कों में हुए हैं, उन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं और देखा है उन मुल्कों को कभी फायदा नहीं हुआ, और आज वो मुल्क समझे हैं। दूसरे देशों के अंदर तो वॉर मॉन्गर का काम करते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों को वो परेशान नहीं करते, क्योंकि वो समझ गए कि जंग का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो साथियों, कश्मीर के जो हालात हैं वो बाकी लोगों ने आपके सामने बोले हैं, कॉमरेड एनी ने आपको बताया है और कॉमरेड पंगुड़ी ने आपको बताया है कि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, कि 50-52 दिन के अंदर जो सेना के लोग हैं उन्होंने 13,000 बच्चों को हिरासत में लिया है, और वहाँ मेडिकल का क्या, हेल्थ का क्या परेशानी है, देख ही रहे हैं आप कि दवाइयाँ नहीं है, कि मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। और सबसे पहली बात तो हमें उन लोगों का सोचना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग होता है, कि वो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, तो इन 50 और 52 दिन के अंदर वो क्या कमा रहा होगा और क्या खा रहा होगा? जो 300-400 रुपया रोज़ाना खाते हैं, कमाते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो 50-52 दिन के अंदर उनके पास तो कोई रोज़गार ही नहीं है, तो उनके बच्चों का क्या हालात होगा और वो क्या खा रहे होंगे और क्या पी रहे होंगे? ये हमें सोचना चाहिए कि आज 52 दिन हो गए हैं वो कैद में है, कोई संचार का सेवा नहीं है वहाँ पर, वो अपनी परेशानियों को किसी से नहीं बता सकते। 2 दिन के अंदर कोई अपने अमल में इस बात को लेकर आए, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर ले और घर में कैद हो जाए, उसको समझ में आ जाएगा कश्मीर का क्या दर्द। तो साथियों, कश्मीर, अगर आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर को अगर आप दूर नहीं करना चाहते भारत से, तो आज बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों को, जो कश्मीरी नहीं है, नॉन कश्मीरी है, उनको कश्मीर के समर्थन में बहुत खुल के बोलना पड़ेगा और सड़कों पर आना पड़ेगा इस हुकूमत के खिलाफ, नहीं तो आप कश्मीर को खो चुके हैं और आपने कश्मीर को खो दिया। इन 70 सालों के अंदर जो सेपरेटिस्टों ने कभी नहीं करा, जो मिलिटेंट ने कभी नहीं करा, जो पाकिस्तान ने कभी नहीं करा, और जो बाकी की हुकूमत ने, वॉर मॉन्गरों ने कभी नहीं करा, इस हुकूमत ने 2 महीने के अंदर ये कर दिया है। और इसमें मैं कश्मीरियों को दोष नहीं दे रहा हूँ कि अगर वो प्रो सेपरेटिस्ट हो रहे हैं, कश्मीरियों की जगह मैं अपने आप को रखता हूँ, मेरे साथ और मेरे बड़ों के साथ अगर ऐसा होगा, उन्हें 52 और 55 दिन तक कैद में रख दिया जाए, उनको खाना ना दिया जाए, इलाज के लिए दवाइयाँ ना दी जाए, तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं उस मुल्क से निजात पाने के लिए काम करूँगा। अगर आप हमारी हमदर्दी में नहीं बोलते हैं, हमारी हमदर्दी में कुछ नहीं करते हैं, और हमारे अमन सुकून के लिए नहीं बोलते और हमें नहीं देते, तो ऐसे स्टेट का,
किसी भी ऐसे स्टेट का किसी को काम काम नहीं है, जरूरत नहीं है, ये समझना पड़ेगा भाई। क्योंकि कश्मीर के जो लोग 70% और 80% जो लोग थे वो प्रो इंडियन थे और प्रो इंडियन है, वो हमेशा उन्होंने भारत का हमदर्दी करा है, अपने आप को भारतीय बताया है, और इस भारत ने क्या सिला दिया है कश्मीरियों को, ये समझने की जरूरत है। कि आज जो नॉन कश्मीरी कश्मीर के पक्ष में भी बोलता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। क्यों भाई, कश्मीर अपना कहते हो और कश्मीर के लिए हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही कैसे हुए भाई, ये पूछता हूं मैं इस हुकूमत से। दूसरा, इस हुकूमत ने क्या एक ऐसा प्रोपेगेंडा आम किया है कि जो सेना का लोग गलत करेगा उसको आप गलत नहीं कह सकते? क्यों भाई, गलत क्यों नहीं कह सकते? सेना के अंदर इंसान ही है ना, सेना जो काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, बाकी लोग हम जो काम कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, इसमें छोटा और बड़ा काम क्या होता है ये बताइए भाई। पुलिस का काम अपने लिए बहुत बड़ा है, सेना का काम अपने लिए बड़ा है, मजदूरों का काम अपने लिए बड़ा है, एक्टिविस्टों का काम अपने लिए बड़ा है, तो सेना क्या अलग कर रही है भाई? क्या सेना को मालूम नहीं, सेना में ज्वाइन होने वक्त उसे मालूम नहीं होता कि हमें बॉर्डर पर भी खड़ा होना पड़ता है, हमें बंदूक भी उठाना पड़ता है, तो क्या क्या नया कर रही है सेना? और सेना गलत करेगी, बलात्कार का धमकिया देगी तो उसे गलत नहीं बोलेंगे क्या? अरे भाई साहब, इस देश के अंदर अगर कोई ऊपर से फरिश्ता भी आएगा ना और गलत बोलेगा तो उसे गलत बोला जाएगा, ये तो सेना के अंदर फिर भी इंसान है। तो साथियों, कहने सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं बार बार दोहरा के क्या करें। बस मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर का दर्द जो है उसको महसूस करें, और उसको महसूस करने के बाद घरों में नहीं बैठे रहें बल्कि एक बड़े लेवल पर सड़कों पर आया जाए और कुछ ऐसा करा जाए कि एक आंदोलन खड़ा हो सके। ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बाकी और लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये परेशानी तो और जगह आने वाली है। सवाल ये है कि इन दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 बलात्कार और 800 हत्याएं हैं, है ना? क्या इसको आप क्राइम और आतंकवाद में नहीं लेंगे? भीड़ द्वारा लोगों की हत्या हो जाती है, इसको आतंकी घटना नहीं बोलोगे? हाँ, तो क्या इंडियन आर्मी के जवान कश्मीर के लिए ही हैं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है? जो योगी राज में गुंडागर्दी हो रही है, क्या इंडियन आर्मी के जवान उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है? हाँ, तो यही हम कहना चाहेंगे कि कश्मीर को इन्होंने नर्क बना रखा है और वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और अगर वहाँ कोई परेशानी है तो सबसे बड़ी परेशानी है हुकूमत है और इंडियन आर्मी है इस देश का। साथियों, आप गौर कीजिएगा कि जब हम बाइक लेके सड़क पे निकलते हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस आरसी सब कुछ है, और हमें चार बार ट्रैफिक वाला चेक करता है जो कि उसकी ड्यूटी है, तो हम कितना इरिटेट हो जाते हैं। तो वहाँ तो इंडियन आर्मी का जवान गली गली और चप्पे चप्पों पर है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, ये जिसका दिल करता है उसको चेक करते हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी कोई दूध की धुली भी नहीं है, क्योंकि 23 और 24 फरवरी हमें नहीं भूलना चाहिए। डू यू रिमेम्बर कुरान पोस्टपोन, एक किताब को पढ़ लेना चाहिए। चार राजपूत रेजिमेंट पर बलात्कार के आरोप हैं, और वो आरोप अगर साबित नहीं होते हैं तो अभी तक वो खारिज भी नहीं हुए हैं उनसे। तो साथियों, हमें आज एक साथ होना चाहिए, और मैं आर्मी की हमदर्दी में भी बोलता हूँ कि इंडियन आर्मी का जवान एक माँ का बेटा है, और एक बीवी का पति है, और एक बहन का भाई है। ये जो जंग का माहौल आप बना रहे हैं, तो यहाँ कौन मारा जाएगा और कौन शहीद होगा? ये इंडियन आर्मी का जवान शहीद होगा, वो कश्मीरी लोग शहीद होगा। तो अगर जंग का इतना शौक है तो ये जो पार्लियामेंट के नेता बैठे हैं तो जाए खुद बॉर्डर पर और बंदूकें उठाए और लड़ ले आपस में पाकिस्तान के नेताओं से। इंडियन आर्मी के लोगों को क्यों, आम इंसानों को क्यों शहीद करवा रहे हैं या क्यों मरवा रहे हैं? तो साथियों, इस हुकूमत का हमें एक मजबूती से बड़ी लेवल पर मुखालफत करनी पड़ेगी और सड़कों पर इकट्ठा होना होगा। कुछ दिन पहले हम ये इकट्ठे थे, हम उस दिन भी 40 लोग थे और आज भी हम 40 लोग हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम यहाँ 40 ही क्यों हैं आज, जबकि हमें 4000 होना चाहिए था। ये परेशानी कोई छोटी परेशानी नहीं है,
नहीं बोलोगे तो हमारे हमारे हमें खुद इस परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और सलाम करना चाहूँगा आप बाकी लोगों को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।